जी ड्यूटी हमारी लग गई अंडे फेंटने के ऊपर। मुझे तो लगता गैस भी कम है। जी बिल्कुल गैस कम हुई है। ले जी अंडे की जरा लुक चेक करें, क्या खूबसूरत लुक आई है जी। अंडा वैसे मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ ऑमलेट जोन से, किसी दिन आपको ये मैं बना के दिखाऊंगा। ले जी सैंडविच हमारा हो गया तैयार, तो इसका लेते हैं एक बाइट। क्या वो लाइट गई हुई है? हाँ जी यही तो मसले हैं हमारे मुल्क के। आमलेट बनाने लगी हो? जी मैंने सोचा अंडों का आमलेट बना लेते हैं। अब मौसम बहुत अच्छा है। हाँ जी हम सिंपल सा आमलेट बनाएंगे बस। चलिए जी ये पकड़े कांटा और अंडे फेंटे और मैं चाय बनाती हूँ। अंडे भी उनमें फेंटने हैं। जी जी चलें ज्यादा ना सूखे हो, चलें अंडे फेंटे। जी ड्यूटी हमारी लग गई अंडे फेंटने के ऊपर। लो जी अंडे तो फेंट गए जी। चलो आ जाओ फिर फ्राई भी करो। चलो अगे तो अगे वधी जाओ तुसी। जी जी यार एक तो लाइट ने बड़ा साफ डाला हुआ है, नजर ही नहीं आ रहा कुछ भी। मुझे तो लगता गैस भी कम है। जी बिल्कुल गैस कम हुई है। यार गैस ही कम है, देखे कितना आहिस्ता आहिस्ता वो पक रहा है। यार यार इस आग में ना पकाने का भी मजा नहीं आता। आग पूरी है ना नीचे से? जी जी बहुत ही कम आग है भाई। यार कुछ पक ही गया है। यह को पक ही गया है। हाँ जी अंडे की ज़रा लुक चेक करें, क्या खूबसूरत लुक आई है जी। अंडा वैसे मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ ऑमलेट जोन से, किसी दिन आपको ये मैं बना के दिखाऊंगा। जिस तवे से हमने अंडे को उतारा था उसी के ऊपर मैंने स्लाइस रख दी है और उसको मैं थोड़ा सा सेकूँगा। राइस हमारे सेक चुके हैं तो चले आए अंदर नाश्ते के टेबल पर। अंधेरा है बहुत ज़्यादा। हाँ जी जी नाश्ता हम दोनों ने मिल के तैयार कर लिया है। इसमें बलाई है जो कल मैं दूध लेके आया था उसके ऊपर से उतरी है। इसके साथ ही हमने बनाया ऑमलेट, इसके स्लाइस है हमारे पास और इसके साथ है हमारे पास चाय। तो चले आए हमारे साथ नाश्ता करें आके। जी बलाई और आमलेट वाला सैंडविच हो गया तैयार। ले जी सैंडविच हमारा हो गया तैयार, तो इसका लेते हैं एक बाइट। साथ में एक कप चाय, एक सिप चाय का। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।